हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आइए मैं आपको मिलाता हूं आपको भोजपुरी अभिनेता संतोष कुमार जी से। हेलो सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर। सर चलिए ये बताइए, जो आजकल ये गुजरात महाराष्ट्र में जो यूपी में आने वालों के साथ में कोई बात कर रही हूं मंगाए जा रहे हैं, ये बात आप क्या कह रहे हैं? सर आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है। बात ऐसे है कि अभी गुजरात में मारे जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में ठुकराई होती है और बिहार यूपी में खाने वाले जो हमारे हैं बिहारी भाई, ये हमारे क्योंकि हमारे नेता चोर हैं। ठीक है, महाराष्ट्र को दोष देने से पहले हमारे नेता से पूछो, जैसे कि अपना लाल प्रसाद यादव हो गए, मुलायम सिंह हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए और योगी जी हो गए, इनसे पूछिए। भारत के अनेक देशों में जाकर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, गौर करके देखा जाए तो हमारे देश में यूपी बिहार में क्या नहीं है। हमारे यूपी बिहार के पास राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ताजमहल है, काशी है, बनारस है, अयोध्या है, मथुरा है, गया है और गंगा जमुना है, फिर भी हम पीछे हैं। दोस्तों ये सवाल अपने नेताओं से पूछिए और छाती पर चढ़ के पूछिए, क्योंकि हम यूपी बिहार वाले दूसरे राज्य में जाकर मेहनत करते हैं और मजदूरी करते हैं और गाली सुनते हैं और अपमान सहते हैं, क्यों सहते हैं? ये जो अपना इसका तो इसका क्या हल होता है? हल है इसका, जैसे कि हमारे यूपी बिहार वाले नेता जो हैं, अगर 50% सही तरह से काम करें, सही तरीके से काम करें, तो हमारा यूपी बिहार तरक्की करने लगेगा और हमारे जो यूपी बिहार वाले भाइयों हैं उनको कहीं अदर देश में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने देश में काम करेंगे, अपने यूपी बिहार में काम करेंगे। जो भी मैंने एक तो खेसारी भाई का भी एक गुजरात से तो भूखे मर सकते हैं गुजरात, इसलिए मैं खेसारी भैया को फुल सपोर्ट करूंगा और मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा। अच्छा सर ये बताइए, आपकी नई फिल्म कौन सी रिलीज हो रही है? एक मेरी भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई है बिहार में, बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका नाम है बलू का बदला। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगली कोई फिल्म? हाँ अगली एक है ना, लालची पंडित है, ये फुल कॉमेडी है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म है, ये हमारा 21 तारीख को यूट्यूब पर डाल देंगे। 21 तारीख को? हाँ 21 तारीख को। ठीक है, ठीक है सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया इसलिए बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे नए इंटरव्यू साथ में।